बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नेम क्लिनिक की जानब से हकीम शाहिद इकबाल आपकी खिदमत में हाज़िर है बहुत ही ज़बरदस्त और अज़मुद नुस्खे के साथ। आज का हमारा नुस्खा है सर दर्द के लिए, दर्द शकीका हो, आधे सर का दर्द हो या पूरे सर का दर्द हो, दिमाग में रेशा बन रही हो, उसके लिए नहायत एक मुफीद नुस्खा है और अज़मुद नुस्खा है। बहुत से मरीज़ों को मैं इस्तेमाल करवा चुका हूँ और करवा रहा हूँ। आज भी हम ये नुस्खा एक मरीज़ को दे रहे थे, सोचा कि इसकी दोबारा वीडियो बनाएं ताकि जो परेशान हाल लोग हैं वो इससे फ़ायदा उठाएं। नुस्खा आप नोट कर लेना, जिक्र उस तखदूस आपने लेना है 70 ग्राम, धनिया के बीज लेने 70 ग्राम, और जो है काली मिर्च वो आप लें 20 ग्राम। नाजिक्राम 10 ग्राम के आप अलहदा कर लेने, यानी कि उस तकदूस को अलहदा कर लें। इसकी टोटल यानी कि 70 ग्राम जो होगा वज़न, इसकी आपने 7 पैकेट बना लेने, यानी कि 7 पुड़ियाँ बना ले 10-10 ग्राम की, और इसी में आपने 10-10 ग्राम जो है खुश्क धनिया के बीज वो डाल देने हैं। हर पैकेट में आपने नाजिक्राम 9 अदद काली मिर्च डाल देनी है, यानी कि एक पैकेट आपका बन जाएगा इस तरीके से। एक पैकेट आपने रात को 1 गिलास पानी में डाल देना है, दूसरे दिन सुबह आपने इसको अच्छे तरीके से रगड़ना है। रगड़ कर इसको कपड़ छान कर लें, यानी कि पुन ले जो पानी होगा उसको आपने नीम गर्म कर लेना है, और नीम गर्म करके इसको पी लेना है। 1 घंटा बाद नाश्ता कर ले। जब ये आप पानी पी लेंगे तो कम से कम आधा पौना घंटा सीधे 4-5 लेट जाएँ, और ये अमल आपने करना है आजकल सूरज निकलने से कम अज़ कम 1 घंटा पहले। इसी तरीके से आप इसके 7 पैकेट इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से आपको शिफा मिलेगी। दर्द शकीका हो, सर दर्द हो, दिमाग में रेशा बन रही हो, वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। मज़ीद अगर ज़्यादा इन्फेक्शन है, तकलीफ़ रह जाए, तो इस नुस्खा को आप मज़ीद 1-2 हफ़्ता इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं तो 1 हफ़्ता इस्तेमाल करवाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। शुक्रिया तो नाज़रीन कराम, और अपने ठंडी चीज़ों से परहेज करना है। नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें या ताज़ा पानी इस्तेमाल करें। दिन में कम से कम 20 से 25 गिलास पानी ज़रूर पिया करें, और 5 वक्त की नमाज बंदी के साथ पढ़ा करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़िंदगी में भी आपके लिए आसानी पैदा करेंगे और आखिरत में भी। जिन व्यूज़ ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, और हमारे फेसबुक पेज को लाजमी लाइक कर लें। वीडियो लाजमी अपने शेयर करनी है, सदका जारिया है। दुआ में याद रखिएगा। इसी के साथ हकीम शाहिद इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। फ़ी अमानल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।